आज दोस्तों आप लोग को मैं आज एक वीडियो दूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहुत आदमी, बहुत सारा सीआरटी जो काम करता है, उन लोग को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो उन लोग के लिए बहुत बड़ा एक तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कंप्यूटर में RTA 809 से सॉफ्टवेयर करना। तो इसके लिए आसान एक तरीका भी है, जैसे कि सिर्फ मोबाइल से हम लोग जो मेन बोर्ड है, मैं आपको ये 32 इंची का टीवी को जो स्टैंड पर रिलीज नहीं कर रहा, मैं सॉफ्टवेयर करके दिखाऊंगा मोबाइल से। इसका बूट सेल है, ये कोई पेन ड्राइव से नहीं होगा, ये आपको कंप्यूटर चाहिए या तो मोबाइल से भी हो सकता है। इसके लिए जस्ट छोटा सा एक डिवाइस चाहिए, CS341। इसमें आप एडाप्टर से कर सकते हो, एडाप्टर से कनेक्ट करके हम लोग मोबाइल से कर सकते हैं। जस्ट इसके लिए एक OTG चाहिए, OTG से इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो CRT भाई लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके आपको कंप्यूटर खरीदना पड़े, बहुत सारा पैसा खर्चा करके आपको RTA 809F खरीदना पड़े। सिर्फ आपको मामूली सा इन्वेस्ट करना है और आप लोग का हाथ में मोबाइल है, आप इसी से आप अपना टीवी का सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा ये काम कि इसको कैसे करना है। आप जैसे कि सबसे पहले मैं आपको कुल लोग को दिखाता हूँ कि ये जो मेरा 32 इंच का टीवी है, इसका सारा वोल्टेज ठीक है। मैं इसका कवर निकाल लिया क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसको अगर लाइन देता हूँ इसमें तो मेरा स्टैंड बाय लाइट जलेगा, लेकिन स्टैंड बाय लाइट जल रहा है लेकिन मेरा ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा स्टैंड बाय रिलीज नहीं कर रहा है। ये जो स्विच है, ये स्विच को चाप जितना भी दाबने से देखिए मैं दाब रहा हूँ, क्लोज देखो, जितना भी दाबने से ये स्टैंड बाय रिलीज नहीं करेगा, जितना भी दाबने से दिख रहा है स्विच दाब रहा है, ठीक है ना, जितना भी दाबने से ये स्टैंड बाय रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको मैं जो सॉफ्टवेयर है, मैं ये 32 इंच का टीवी है देखिए, इसको मैं सॉफ्टवेयर करूंगा, मेमोरी ऐसी जो आप लोग बोलते हो फ्लैश चिप, उसको मैं निकाल के इसको एडाप्टर में डाल के मोबाइल से मैं करूंगा। तो इसका जो स्टेप्स है मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे कि इसके लिए आपको ये जो OTG है, OTG डालना पड़ेगा और ये अडाप्टर में IC को डाल के यहाँ पर लॉक करके करना है। तो मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको कि कैसा करके करना है। तो मैं इसके लिए आप जैसे कि ये क्लिप है, ये क्लिप से भी हम लोग कर सकते हैं, इसको यहाँ पर डाल के IC नहीं निकाल के यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको IC निकाल के डायरेक्ट, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि आपका IC डैमेज हो गया तो आपको नया IC में प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसी IC को मैं निकाल के पहले मैं इराज करूँगा, इराज करके उसका बाद मैं इसको रीप्रोग्राम करूँगा, सॉफ्टवेयर डालूंगा। इसका बोर्ड नंबर देखिए CB56BH-Q42, 5 पेयर का केबल है, 1366768 है, 12 वोल्ट का पैनल है। तो मैं इसको अभी मेमोरी IC को मैं निकालूंगा, निकाल के मैं इसको प्रोग्राम करूंगा। अब जैसे कि मैं इसको मैं R1 से निकालूंगा, अभी IC को मैं इसमें थोड़ा शोल्डर डाल देता हूँ, यहाँ पर हॉट एयर गन का कोई जरूरत नहीं है, ये IC आराम से हम लोग आयरन से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, देखिए ऐसा करके ज्यादा करके शोल्डर डाल दिया, दिख रहा है ना, हाँ। अब इसको मैं आयरन से निकालूंगा, अब देखिए ऐसे निकाल गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा शोल्डर है प्रिंट में, इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दोबारा इसको डालना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा जो है उसको मैं निकाल देता हूँ। अब मैं इसको जो IC है मैं इसको अब इसको इसको फ्रेश कर रहा हूँ, इस समय
अब इसको थोड़ा किनार से साफ कर देता हूँ। अब इसको साफ करना जरूरी है। मेरा नेक्स्ट क्लास डेट बंगाल में सिलीगुड़ी में 25 को है, ये महीना मई का 25 को है। मेरा फ्यूचर प्रोग्राम है महाराष्ट्र पुणे में है, तारापीठ वेस्ट बंगाल में है, यूपी में भी प्रोग्राम है। बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं कि सर इधर में प्रोग्राम डालो, तो उसके लिए मैं आप लोग को नंबर दे दूंगा। यूपी का प्रोग्राम रहेगा अक्टूबर नवंबर में और पुणे का 2 महीना बाद में प्रोग्राम है। इसी तरह बहुत सारा जगह में इंडिया में प्रोग्राम होगा। 2020 से लॉकडाउन का बाद से प्रोग्राम बंद था, अब दोबारा प्रोग्राम होगा। अब मैं इसको साफ कर दिया। अब इसको मैं देखिए यहाँ पर मार्किंग है 1 नंबर पिन। अब इसको प्रेस किया, अब मैं 1 नंबर पिन जो है पिन नंबर 1 को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब ये देखिए लॉक हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका जैसे कि देखिए 25 सीरीज का है, ये 25 सीरीज का नीचे वाला यहाँ पर है, तो यहीं पर हमको ऐसा करके 1 नंबर पिन मिलाना पड़ेगा। तो ऐसा करके ये मैं यहाँ पर इसको डाल रहा हूँ। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया, लॉक हो गया, ठीक है। अब OTG डाला, अब मैं देखिए इसको, पहले तो मैं अपना OTG को ऑन कर देता हूँ। अब मैं OTG को ऑन कर देता हूँ। OTG ऑन कर दिया, अब मैं इसको डाल रहा हूँ। अब ये डालने के बाद देखिए यहाँ पर पावर आ गया, ये डिफॉल्ट प्रोग्राम आ गया इसका। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है कि मैं देखता हूँ मेरा चिप डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कनेक्शन अगर इसमें सही नहीं होगा तो डिटेक्शन नहीं होगा, तो डिटेक्ट पहले करना ज़रूरी है। तो चिप डिटेक्ट कर रहा है, देखिए फ्लैश ID आ गई आपका FFFFEF15 डॉट, ठीक है। तो बस हो गया, हमारा चिप डिटेक्ट हो गया। अब जो भी है मैं इसको इरेज कर दूंगा। चलिए देखिए, ये मेरा 25 सीरीज का IC है, 25M32। तो अभी देखिए यहाँ पर इरेज हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चल रहा है, रन हो रहा है, यहाँ पर रन हो रहा है, ये पावर है। देखिए इरेज कंप्लीट, सब मिट गया। अब मुझे करना क्या है, कॉपी करना। मेरा मोबाइल में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, अब जैसे कि मैं कॉपी में आ गया तो पहले फाइल लोड करना है, तो फाइल में चला गया। आप यहाँ पर जो दो डॉट देख रहे हैं ना, ये 2 डॉट में चला गया मैं। अब मैं यहाँ पर चला गया, अब मेरा देखिए सारा फोल्डर, अब मेरा TV का सॉफ्टवेयर, अब देखिए नीचे में TV सॉफ्टवेयर दिख रहा है, TV सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा है ना, पैनासोनिक, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, ओनिडा, फिलिप्स। तो मैंने क्या बताया था कि मेरा बोर्ड नंबर क्या है, CB56BH, देखिए CB56BH दिख रहा है ना। अब वही देखिए यहाँ पर CB56BH -Q42 Mitasi का, ये 1366 का है। मैं इसको लूँगा, इसका अंदर में जो पिन फाइल है मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, बैक का नीचे में नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा। अब मुझे क्या बोल रहा है कि नाउ पुट योर IC ऑन द सॉकेट, तो सॉकेट में तो मैंने डाल दिया। अब सिलेक्ट योर टारगेट IC मॉडल, IC का मॉडल क्या है, तो हम लोग का 25 सीरीज आई है, तो देखिए 25X में मैं क्लिक करूँगा। आप देखिए ये 25Q32 है मेरा, तो ये 20M32 को मैं क्लिक करूँगा। आप बोल रहे हैं मेक्स योर सेटिंग इज करेक्ट, तो करेक्ट है हम लोग का, तो अभी जस्ट ओके में क्लिक करना है। ओके में क्लिक कर दिया, अब ये राइटिंग प्रोसेस चालू है। देखिए ये रन इंडिकेटर चल रहा है, ये तो पावर चले गई, जला रहेगा, ये रन चालू है, यहाँ पर राइट आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग IC निकाल के TV में डालेंगे। अभी राइट कंप्लीट होगा, यहाँ पर मैसेज आएगा, उसका बाद हम लोग को यहाँ से निकाल के IC को डालना है।
अब ये राइटिंग प्रोसेस चल रहा है, ये लाइट जल रहा है, लाइट बंद हो जाएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा सक्सेस या फेल, जो भी आएगा सक्सेस होगा तो सक्सेस आएगा, फेल आएगा तो फेल आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट हो रहा है, राइट होने में तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, कुछ भी लग सकता है। तो हम लोग मोबाइल से भी हम लोग सॉफ्टवेयर को राइट कर सकते हैं, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग जैसे कि मैक्सिमम स्मार्ट टीवी का भी हम लोग पेन ड्राइव से कर देते हैं, पेन ड्राइव से हो जाता है। आप देखिए राइट सक्सेस आ गया, ये बाती भी बंद हो गई, यहाँ का बाती बंद हो गया, देखिए राइट सक्सेस, ठीक है ना, राइट स्टेटस, राइट सक्सेस। अभी हम लोग इसको एग्जिट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आउट कर रहे हैं, हम लोग इसको निकाल दे रहे हैं। अभी हम लोग को ये आईसी जो है, आईसी को मैं इसको निकाल के इसको सोल्डर करूँगा, ठीक है ना। तो आईसी को यहाँ पर दिखाऊँ, अभी यहाँ पर आईसी को यहाँ पर रीसोल्डर कर देना है, ठीक है। एक नंबर पिन को यहाँ पर मिला दे रहा है, अब यहाँ पर सोल्डर कर दे रहा हूँ, आप देखिए सोल्डर कर रहा हूँ। अभी ये सोल्डर कर रहा है, हमें गाड़ी में नहीं बैठा है, अभी इधर का सोल्डर कर रहे हैं। सोलर हो चुका है, अब ये सोलर हो चुका है, इसको साफ करने का दरकार नहीं, क्योंकि मैं रोजन से किया हूँ। अब इसको एलबीडीएस डालता हूँ, अब इसमें लाइन दूंगा, अब मैं इसको लाइन दे रहा हूँ। आप ये देखिए बत्ती जल गया, अब मैं पावर स्विच दे रहा हूँ, अब देखिए ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, देखिए यहाँ पर टीवी हम लोग का रेडी हो गया। तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं, मैंने आपको आईसी को इरेज कर दिया, क्योंकि बहुत आदमी गलत भी बोल सकता है, उसको इरेज कर दिया, कोई प्रोग्राम तो झूठ नहीं बोलेगा। तो इरेज करके हम लोग उसका बाद फ्रेश फाइल को हम लोग को राइट करना पड़ा। तो ये हम लोग का RT809 नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फिर भी हम लोग इसको मोबाइल से भी ये सब प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, मैं जो नंबर दूंगा उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई फॉल्ट फाइंडिंग के लिए कृपया करके फोन ना करें, सिर्फ ट्रेनिंग लेना है तो उसके बारे में आप फोन कर सकते हो। थैंक यू।